हेलो फ्रेंड्स, आज HTML5 का डिज़ाइन स्ट्रक्चर सीखेंगे। HTML5 उसके डिज़ाइन स्ट्रक्चर के लिए न्यू सिमेंटिक टैग्स यूज़ कर रहा है। अब सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होता है? सिमेंटिक एलिमेंट्स वो टैग्स है जो डेवलपर और ब्राउज़र दोनों के लिए उनके नाम से ही मीनिंग डिस्क्राइब करता है। HTML के अर्लियर वर्जन में इन सभी टैग्स के लिए div टैग यूज होता था, लेकिन HTML5 में div के जगह पे अलग अलग टैग्स दिए हुए हैं। div टैग का डिफॉल्ट बिहेवियर है कि वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है और वेब पेज का कंप्लीट यानी फुल विड्थ लेता है। HTML5 में 13 सिमेंटिक टैग्स है जिससे हम पेज स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। ये सारे ही टैग्स SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब क्योंकि ये टैग्स सेल्फ डिस्क्राइबिंग है और सर्च इंजन में प्रायोरिटी में है, हम डिव टैग के बदले इन टैग का यूज करने वाले हैं। अब जिन टैग्स का हम यूज करने वाले हैं उन टैग्स के बारे में समझ लेते हैं। सेक्शन टैग मेन कंटेंट के सबसेक्शन को स्पेसिफाई करता है। आर्टिकल टैग इंडिकेट करता है न्यू ब्लॉग पोस्ट या ऑनलाइन पब्लिकेशन के आर्टिकल एंट्रीज को। हेडर टैग यूज होगा पेज हेडर के लिए या फिर आर्टिकल हेडर के लिए या फिर सेक्शन हेडिंग के लिए। फुटर इंफॉर्मेशन में जनरली लिखा जाता है कॉपीराइट्स या कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, एड्रेस या कोई यूजफुल लिंक्स। ये भी आर्टिकल में लिख सकते हैं या पेज के फुटर में लिख सकते हैं या सेक्शन के फुटर में भी लिख सकते हैं। नैव टैग पेज नेविगेशन के लिए यूज होता है या फिर पेजिनेशन के लिए भी यूज हो सकता है। असाइड टैग फोकस करता है सेकेंडरी कंटेंट या पोस्ट आर्टिकल जहां हम एक्शंस लिखते हैं। तो चलिए इन टैग्स को HTML5 के कोड में लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे HTML पेज स्ट्रक्चर जो हमने फर्स्ट HTML5 के वीडियो में देखा था। जैसे कि हमें पता है हेड सेक्शन HTML5 में ऑप्शनल है। अब कुछ इस तरह का HTML5 का वेब पेज क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इन सारे ही टैग्स को लेफ्ट टू राइट में लिखेंगे। अब सेक्शन टैग्स के चाइल्ड टैग्स को लिखेंगे। अब इनके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। पेज नेविगेशन के लिए यूज करेंगे एंकर टैग जो हाइपरलिंक देगा, उसे हम लिखेंगे UL टैग के अंदर जिसके बारे में पहले वीडियो में हम देख चुके हैं।
अब आउटपुट देखते हैं। अब जैसे कि हमें पता है HTML5 में ये सारे ही टैग्स div टैग की तरह बिहेव करते हैं। div टैग न्यू लाइन पे स्टार्ट होगा और वेब पेज का फुल विड्थ लेगा, इसलिए हमें इन टैग्स को अपने हिसाब से प्लेस करना होगा। तो लिखेंगे CSS। आज हम एक्सटर्नल CSS यूज करेंगे। अब क्योंकि एक्सटर्नल CSS अलग फाइल में लिखना है, हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। अब जो भी टैग्स हमने पेज में यूज किए हैं उन्हें बैकग्राउंड कलर देते हैं। CSS में अगर मल्टीपल टैग्स को प्रॉपर्टी वैल्यू असाइन करना है तो हम कॉमा सिलेक्टर यूज करते हैं। अब इस CSS फाइल को HTML के साथ लिंक करना होगा, तो यूज करते हैं लिंक टैग। टैग हेड सेक्शन में लिखना होगा, यानी बॉडी टैग के ऊपर। अब आउटपुट देखते हैं। अब नैव सेक्शन और असाइड टैग को सेम लाइन में इक्वल विड्थ के हिसाब से देना है। अब वेब पेज के चेंजेस देख लेते हैं। यहाँ विड्थ तो कम हो गया लेकिन सेम लाइन पे नहीं आ रहा है। लेकिन अगर डिस्प्ले इनलाइन लिखेंगे तो विड्थ नहीं दे पाएंगे, इसलिए लिखना होगा इनलाइन डैश ब्लॉक। डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। नैव और असाइड का वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर है, इसलिए उनका वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप लिखना होगा। आउटपुट देखें, यहाँ सारे ही टैग्स के बाहर काफी स्पेस भी दिख रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग ब्राउजर उनके हिसाब से डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग सेट करता है, तो CSS में इस मार्जिन और पैडिंग स्पेस को रिमूव करेंगे। एस्ट्रिक यूनिवर्सल सिलेक्टर है जो ऑल टैग्स को रिप्रेजेंट करता है। मार्जिन होता है एक्सटर्नल स्पेस और पैडिंग होता है इंटरनल स्पेस ऑफ द टैग। नेक्स्ट वीडियो में मार्जिन और पैडिंग को डिटेल में देखेंगे। अब इस पेज का आउटपुट देखते हैं।